बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फयाज अंसारी और मेरे साथ है इजाज़ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल पिज़्ज़ा, जिसमें डो के लिए हमें ना तो ईस्ट यूज़ करनी पड़ेगी ना मैदा यूज़ करना पड़ेगा। आलू की हेल्प से हम डो बनाएंगे, बहुत ही आसान। तो इसलिए के लिए आपने क्या करना है, आलू को आपने कर लेना है कद्दूकश इस तरह से। ये मैंने कद्दूकश करके अच्छी तरह से धो के और ज़ोर से दबा के इसका पानी निकाल लिया था, मतलब कि ये बिल्कुल अभी ड्राई है। एक अंडा चाहिएगा इसके अंदर, क्योंकि अगर ऐसे इसको डाला तो वो खुल जाएगा। इसमें जाएगा कॉर्न फ्लोर ताकि बेस जो है वो स्ट्रांग हो सके। तो इसमें हम डालेंगे, ये लें जी, 2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर के और 1/4 टेबलस्पून नमक जाएगा, जस्ट नमक टेस्ट के लिए। इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और ये एक बहुत अच्छी बेस बन जाएगी पिज़्ज़ा के लिए। तो कभी कभार टाइम नहीं होता पिज़्ज़ा की डो बनाएं, उसको स्टे दें, तो ये भी अच्छी चीज़ है। और ख़ास बात ये कि इसमें पोटैटो और एग है, मतलब कि बहुत ही हेल्दी बच्चों के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पैन में 2 से 3 टेबलस्पून जाएगा कुकिंग ऑयल और मीडियम फ्लेम के ऊपर ये रेसिपी जाएगी। यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं बैटर को। आपने इसकी बेस बना लेनी है, बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए वरना आपके आलू जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे। ये लें जी, अब आपने आंच जो है उसको लो कर देना है ताकि आलू जो है अंदर तक पक जाएं। ऊपर रख देंगे ढक्कन और तकरीबन 2 मिनट बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये बेस स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो प्यार के साथ हम इसको पलट लेंगे। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप प्लेट के साथ भी इसको पलट सकते हैं। तो यहाँ पे एक साइड आलू की पक चुकी है, अब आपने फ्लेम कर देना है ऑफ, क्योंकि हमने यहाँ पे पिज़्ज़े की मुकम्मल तैयारी करनी है। ये पिज़्ज़ा सॉस है हमारे पास, इसकी रेसिपी हम मैं अपने पिछले पिज़्ज़ास की रेसिपीज़ में दे चुका हूँ। और ये है हमारे पास चैडर चीज़, आपके पास मोज़रेला हो चैडर हो आप दोनों इसके ऊपर लगा सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, क्वान्टिटी कम या ज़्यादा। ये है हमारे पास कैप्सिकम, मतलब कि शिमला मिर्च, ये बारीक कटी हुई है क्योंकि हम बेक तो कर नहीं रहे, तो मोटी नहीं आपने काटनी वरना कच्ची रह जाएगी। ये छोटी छोटी बातें जहन में रखा करें। ये है हमारे पास टमाटर, ये भी बड़ी कटा हुआ। और ये है हमारे पास ब्लैक ऑलिव्स, आपके पास कोई भी वेजिटेबल्स हो आप यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव्स अवेलेबल हैं तो ठीक, अदरवाइज डजेंट मैटर। ये है हमारे पास ऑरिगेनो, इटालियन हर्ब, पिज़्ज़े को पिज़्ज़ा की खुशबू देता है ये। अब ऊपर ढक्कन रख देंगे, आँच को कर देंगे ऑन, लो आँच के ऊपर आपने इनको रखना है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ की पिघल जाए। 3 मिनट हो चुके हैं, 4 मिनट, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा जो पिज़्ज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह डन है, क्योंकि चीज़ पिघल चुकी है और जो सब्ज़ी हैं वो भी ज़रा सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो आइए प्लेट में निकालते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी कितनी सॉफ्ट बेस, देखें कितनी सॉफ्ट है और चीज़ ही देखें माशाल्लाह से कितना है। तो देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। तो करीब से देखिए, आपके मुंह में इंशाल्लाह पानी आ जाएगा। मैं आपको काट के दिखाता हूँ कि ये अंदर से कैसा है। तो ये देखें जी, लुक देखें कितनी अच्छी है ये। अच्छा, इस चीज़ का भी आप ना ध्यान रखा करें कि पिज़्ज़ा को जब भी आप डिज़ाइन करें इसके ऊपर वेजिटेबल्स की, तो एक ना फॉर्मेट को ज़रूर फॉलो किया करें, जैसे ये वाला, तो इससे क्या खूबसूरती नज़र आती है। तो देखें जी कितना क्रीमी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।